हेलो टू ऑल नाउ स्टूडेंट्स, आरएससीआईटी की क्लास में मैं आप सबका फिर से बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। स्टूडेंट्स, आज आरएससीआईटी की क्लास में हम चैप्टर 4 के इंटरनल असेसमेंट्स देखेंगे और साथ ही साथ में चैप्टर 4 के हम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस भी यहाँ पर देखेंगे, ठीक है। चैप्टर 4 जो है उसका आपका नाम है इंटरनेट का परिचय। इट मीन्स आज के वीडियो में हम इंटरनेट से रिलेटेड जो भी जरूरी क्वेश्चन है, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आपके एग्जाम में आते हैं, साथ ही साथ में जो इंटरनल असेसमेंट के क्वेश्चन हैं वो हम यहाँ पर पढ़ेंगे। आइए जानते हैं सबसे पहला क्वेश्चन। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपका यहाँ पे बनता है, एक लोकप्रिय चैटिंग सेवा को डैश कहा जाता है, ठीक है। चैटिंग क्या होता है आप सभी जानते हैं, जब हम किसी मोबाइल के जरिए, किसी कंप्यूटर के जरिए, है ना, या फिर कोई भी ऐसे कंप्यूटिंग डिवाइस होगी जैसे कि टैबलेट भी हो सकता है आजकल चलता है, तो इसके जरिए जब हम एक दूसरे से बातचीत करते हैं, है ना, जब दो व्यक्ति या दो से अधिक व्यक्ति किसी लैपटॉप, मोबाइल या टैबलेट की मदद से आपस में बातें करते हैं तो हम उस चीज़ को चैटिंग कहते हैं। तो सबसे जो लोकप्रिय चैटिंग है यानी जो सबसे पॉपुलर चैटिंग है वो कहलाती है आपकी इंटरनेट रिले चैट। दूसरा क्वेश्चन आ जाता है, नीचे दिए गए चित्र में एरो किसको इंगित कर रहा है। देखिए ये एरो का निशान है, है ना, और देखिए यहाँ पे बकायदा ये दिख रहा है आपको चित्र, ठीक है, ये ब्लू कलर से। तो बताइए ये चीज क्या होती है। तो ध्यान रखिएगा, जब भी आप इस तरीके से गूगल इंजन को ओपन करते हैं यानी इस तरीके का जब इंटरफेस आप ओपन करते हैं तब आप उसमें किसी न किसी वेबसाइट को सर्च करते हैं। तो बेसिकली जो भी वेबसाइट आप सर्च कर रहे हो ना या जो भी वेबसाइट आपके कंप्यूटर पे आ रही है इंटरनेट की मदद से, वो वेबसाइट कहीं ना कहीं सर्वर पे रखी हुई है, ठीक है। अब जिस भी जगह वो वेबसाइट रखी हुई है वो उस वेबसाइट का एड्रेस कहलाता है, ठीक है। तो जो भी वेबसाइट आप सर्च कर रहे हो या जो भी वेबसाइट आपके सामने आएगी उसका एड्रेस भी आपको गूगल सर्च इंजन पर दिखेगा, तो वो एड्रेस आपको यहाँ पर दिखेगा। तो ये जो पूरा एरिया है ना, यहाँ पे आपको ये एड्रेस लिखा हुआ दिखता है वेबसाइट का, इस एरिया को हम बोलते हैं एड्रेस बार। तो ये जो इंगित कर रहा है, ये इंगित कर रहा है एड्रेस बार को। देखिए एड्रेस बार यहाँ पर आ गया आंसर हमारा। चलिए तीसरा देख लेते हैं। तो तीसरा है, इनमें से कौन एक प्रकार का प्रोटोकॉल है। यहाँ पे पहले जान लेते हैं प्रोटोकॉल क्या होता है। प्रोटोकॉल की एक सीधी सी डेफिनेशन होती है स्टूडेंट, सेट, ध्यान रखिएगा, चाहिए तो लिख लीजिएगा अपनी कॉपी में, सेट ऑफ रूल्स, या अगर रूल्स है ना, ये आर लिखा है, ठीक है, एक मिनट। या फिर हम इसे हिंदी में बोले तो बोल सकते हैं हम नियमों का, नियम है ये, है ना, नियमों का, लिख लीजिएगा, ये एकदम प्रॉपर लिखा नहीं होता इसे माउस से, नियमों का समूह। ठीक है, तो जो प्रोटोकॉल है इसका मतलब सीधा सा होता है, या प्रोटोकॉल की जो डेफिनेशन बनती है तो वो सीधी सी होती है कि सेट ऑफ रूल्स। प्रोटोकॉल का मतलब होता है सेट ऑफ रूल्स, या कह लीजिए नियमों का समूह, ठीक है। तो अब इनमें से कौन सी चीज है जो एक प्रोटोकॉल बताती है यानी नियमों का समूह है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए जो सही आंसर आता है वो आता है आपका TCP/IP। TCP/IP इसका पूरा नाम सुन लीजिएगा ध्यान से, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। टी का मतलब क्या हो गया, ट्रांसमिशन, सी का मतलब हो गया कंट्रोल, और पी का मतलब हो गया प्रोटोकॉल। तो ट्रांसमिशन कंट्रोल से क्या मतलब है, देखिए कंप्यूटर के द्वारा आप इंटरनेट की मदद से एक जगह से दूसरी जगह डेटा को ट्रांसफर करते हो, ठीक है। अब देखिए जब भी आप किसी को डेटा ट्रांसफर करते हो ना, तो ऐसा तो नहीं है कि पूरी दुनिया में सिर्फ आप ही दो पर्सन या जैसे आप बात कर रहे हो वही उस समय पे बात कर रहे हैं एक दूसरे से। जिस समय आप एक दूसरे से चैटिंग कर रहे हो, किसी को मेल कर रहे हो, या किसी से कोई कन्वर्सेशन कर रहे हो फोन के जरिए या इंटरनेट के जरिए, उस समय जाने दुनिया में ढेरों लाखों कितने लोग एक साथ आप जैसा कार्य कर रहे होंगे, यानी चैटिंग कर रहे होंगे या फोन पे बात कर रहे होंगे या डेटा ट्रांसफर कर रहे होंगे, ढेरों कर रहे होंगे। उसके बावजूद भी आप जिस भी पर्सन को मैसेज भेजते हो, मैसेज उसी पर्सन तक जाता है, किसी और के पास नहीं जाता। कारण कारण ये है कि भाई जो डेटा का ट्रांसफर होता है इसको कंट्रोल किया जाता है, ठीक है। और इस डेटा को कंट्रोल कर कैसे किया जाता है, तो डेटा को कंट्रोल करने के कुछ नियम बने हुए हैं,
ठीक है। तो डाटा को जो डाटा पर ट्रांसफर हो रहा है उसको कंट्रोल करने का जो नियम है उसको हम बोलते हैं ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। यानी ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल एक तरीके का नियमों का समूह है जिसमें ये सारे नियम लिखे हुए हैं कि कोई भी डाटा एक जगह से दूसरी जगह कैसे डिलीवर होगा। ठीक है, अब ये डाटा आप किसकी मदद से थोड़ा भेज रहे हो, तो इंटरनेट की मदद से। तो यहाँ पे जो आई लिखा है इसका मतलब होता है इंटरनेट और पी का मतलब तो हो गया प्रोटोकॉल। ठीक है, सो इंटरनेट के जरिए आप एक जगह से दूसरा डाटा जब ट्रांसफर करते हो तो डाटा ट्रांसफर के पीछे कई सारे नियम लागू होते हैं और ये सारे के सारे जो नियम हैं वो TCP/IP प्रोटोकॉल के अंदर सुरक्षित है। ठीक है, सो इन्होंने यहाँ पे ये तो नहीं पूछा कि इंटरनेट का प्रोटोकॉल क्या है। यदि ऐसा पूछा जाए कि इंटरनेट जिसकी मदद से चलता है वो प्रोटोकॉल कौन सा होता है, तो वो भी TCP/IP प्रोटोकॉल ही होता है। तो अब इन्होंने सिर्फ उसे यहाँ पे पूछा, इनमें से बताओ कि प्रोटोकॉल कौन सा है, तो TCP/IP क्या है, एक प्रोटोकॉल है। ठीक है, ASCII जो है, ASCII एक कोड होता है, ध्यान रख लीजिएगा, बहुत ज़्यादा भी डीप में नहीं जा रही हूँ। ASCII एक कोड होता है, रैम मेमोरी होती है, TCP/IP प्रोटोकॉल होता है और DBA को हम बोलते हैं डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर, यानी जो आपके डेटाबेस को संभालता है वो एप्लीकेशन होती है आपकी DBA। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी विषय पर सर्च करते समय जब भी हम किसी विषय को सर्च करते हैं तो डैश का उपयोग करते हैं। सिर्फ यहाँ पे क्वेश्चन इतने समझ लीजिए, जब भी हम किसी चीज को सर्च करते हैं तो हम सर्च करने के लिए किसका यूज करते हैं। सीधी सी बात है, हम सर्च करने के लिए जैसे गूगल है इसका यूज करते हैं, तो गूगल क्या है, गूगल एक सर्च इंजन है। ध्यान रखिएगा, गूगल जो है जिसके ऊपर आप डाटा या अपनी वेबसाइट को सर्च करते हो वो गूगल क्या है, एक सर्च इंजन है। ठीक है, तो किसी विषय पर सर्च करते समय डैश का उपयोग यानी सर्च इंजन का उपयोग करते हैं। ठीक है, तो अब ये जो गूगल सर्च इंजन में जब भी हम आप कोई भी चीज़ सर्च करते हो, जैसे गूगल सर्च इंजन पे आपने फेसबुक सर्च किया तो फेसबुक से रिलेटेड कुछ पेजेस आपके सामने आ जाते हैं। ठीक है, तो बेसिकली गूगल सर्च इंजन क्या करता है, जो भी यूजर ने सर्च किया है डेटा उस डेटा को वेबसाइट से ढूंढ कर लाता है, यानी जो भी वेबसाइट यूजर चाहता है ना, जो भी उसने गूगल सर्च इंजन पर लिखा है, उसने लिखा फेसबुक, तो फेसबुक से रिलेटेड जो भी वेबसाइट की लिंक्स हैं उनको इंटरनेट पर वो खोजता है। खोजने के साथ साथ अब उसे क्या होता है, वहाँ से ढेर सारी लिंक्स मिल जाती है, तो लिंक्स जो जो उसे फेसबुक से रिलेटेड मिलेंगी ना, उन सबको क्या करेगा, एक क्रम में व्यवस्थित कर देगा। कैसे क्रम में, जैसे कि कौन से पॉपुलर ज़्यादा है, फिर कम पॉपुलर है, फिर कम पॉपुलर है, उसको व्यवस्थित क्रम में कर देगा और व्यवस्थित क्रम में करके वो आपके सामने क्या कर देता है, शो कर देता है। ठीक है, तो गूगल सर्च इंजन का बेसिकली ये काम ही होता है कि यूजर जिस भी वेबसाइट के बारे में सर्च कर रहा है या जो भी डेटा सर्च कर रहा है उसको उस वेबसाइट को या उस डाटा को पूरे इंटरनेट में सर्च करें और सर्च करने के बाद जो भी डाटा उसको मिला है उसको एक व्यवस्थित क्रम में तैयार करके यूजर के सामने पेश कर दे। ठीक है ना, तो यहाँ पे जो सही आंसर है वो आपका क्या बन जाता है, सर्च इंजन। आगे बढ़ते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 5वां आता है, किसी को ईमेल भेजने के लिए आपको उसका डैश ही जानना जरूरी है। भाई आप किसी को मेल भेज रहे हो तो आपको क्या चीज जाननी जरूरी है, सबसे पहले यदि आप किसी तो आप भाई आप किसी को ईमेल करते हो तो आपको क्या जानना जरूरी है उसके लिए आपको जानना जरूरी है उसका ईमेल एड्रेस। जैसे आपको किसी के घर जाना है तो क्या जरूरी है, उस व्यक्ति का एड्रेस आपको पता होगा तभी तो आप उसके घर पे पहुंचोगे। या किसी व्यक्ति को लेटर भेजना है तो लेटर भी आप कैसे भेजोगे, उस व्यक्ति के घर का एड्रेस आपको पता होना चाहिए। इसी प्रकार जब हम किसी को ईमेल भेजते हैं तो हमें उसका ईमेल एड्रेस जानना जरूरी है। आगे बढ़ते हैं, तो हम 6वां क्वेश्चन देख लेते हैं जिसमें लिखा है इंटरनेट डैश के नाम से भी प्रसिद्ध है। अब भाई इंटरनेट का एक दूसरा नाम क्या है, तो हम जब भी अपनी गाड़ी चलाते हैं और हमें कहीं भी फटाफट पहुंचना होता है तो हम किसका यूज करते हैं, हाईवे का। इसी प्रकार आज के टाइम में जो सूचनाओं का आदान प्रदान हो रहा है वो फास्ट हो रहा है, तो हम उस चीज़ को जो इंटरनेट है उसको हम एक नया नाम देते हैं और वो कहते हैं सूचना का हाईवे। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा इंटरनेट का दूसरा नाम होता है सूचना का हाईवे, क्योंकि डाटा जो है वो आज के टाइम में बहुत फटाफट ट्रांसफर होता है। 7वां क्वेश्चन देख लेते हैं, तो 7वां क्वेश्चन हमारा आता है एक पूर्ण ईमेल संदेश के 3 बुनियादी अंश हैं। देखिए कोई भी ईमेल एड्रेस होता है ना उसके 3 बुनियादी
अंश जरूर होते हैं, यानी उसमें तीन चीजें जरूर शामिल होगी किसी भी एड्रेस में, जैसे कि किसी का ईमेल एड्रेस है एबीसी, सपोज नाम है। इस तरीके से आप अपनी ईमेल आईडी तैयार करते हैं ना कोई आपका यूजर नेम होता है ना, जैसे मान लीजिए आपका नाम प्रीति है, जैसे मान लीजिए आपका नाम प्रीति शर्मा है, तो आप क्या करोगे, हो सकता है ये मतलब आपके ऊपर डिपेंड करता है, मान लीजिए मैं उदाहरण दे रही हूँ, आपने अपना यूजर आईडी बना लिया प्रीति शर्मा, ठीक है, प्रीति शर्मा ईमेल आईडी, सिर्फ प्रीति शर्मा से ईमेल आईडी नहीं बन सकती ना, आपने अपने हिसाब से कोई भी नाम चूज किया, जैसे कि आपने प्रीति शर्मा चूज किया, मैंने यहाँ पे एबीसी चूज किया। फिर ईमेल आईडी के लिए आवश्यक होता है किसका साइन, एट द रेट, जैसे आपका प्रीति शर्मा नाम से आपने आईडी बना ली तो उसमें क्या लगेगा उसके बाद, एट द रेट, है ना। फिर उसके बाद क्या लिखा जाता है, जीमेल, ये होता ही ना सबकी आईडी में, gmail.com, ठीक है। तो यहाँ पे अगर एक तरीके से देखा जाए तो ये जो एबीसी है ये क्या है, ये जो एबीसी आपको यहाँ पे दिख रहा है ना, ये क्या है, ये यूजर का नाम है, मीन्स ये यूजर आईडी है, तो इसको उपयोगकर्ता का नाम या यूजर आईडी बोल सकते हैं, एक तो ये हो गया। दूसरी क्या होगी, एट द रेट जीमेल, है ना। ये जो जीमेल है ये बेसिकली क्या है, जीमेल क्या है, एक वेबसाइट है, और ये वेबसाइट जो है वो जब भी आप इसका यूज करते हो तो ये वेबसाइट आपके कंप्यूटर पे खुल जाती है, लेकिन कैसे खुल जाती है, कहीं तो ये वेबसाइट रखी हुई होगी ना, तभी तो आपके कंप्यूटर पे आती है, तो वेबसाइट कहीं हवा में या इधर उधर मौजूद होगी नहीं, तो कोई भी वेबसाइट है वो किसी ना किसी कंप्यूटर पे मौजूद होती है, ठीक है। और जो कंप्यूटर होते हैं ना, इसको हम डोमेन कहते हैं, ध्यान रखिएगा, जो कंप्यूटर होते हैं इनको हम बोलते हैं डोमेन, DOMAIN, या हिंदी में देखें तो देखो यहाँ पे लिखा भी हुआ है डोमेन। कंप्यूटर को हम क्या कहते हैं, डोमेन कहते हैं, जैसे दो जगह आपको दिखे, है ना, फाइन, समझ में आ गया। तो दो चीजें आपको यहाँ पे समझ में आई कि जब भी भाई हम ईमेल एड्रेस लिखते हैं तो एक तो यूजर आईडी होता है, दूसरा क्या होता है, ये जीमेल या याहू या हॉटमेल कुछ ना कुछ जैसा आपको दिखेगा ना, तो बेसिकली ये क्या है, ये वेबसाइट है, और ये वेबसाइट कहीं ना कहीं रखी हुई है, तो बेसिकली ये जो जीमेल है ना, इसको आप ये कह लीजिए कि ये डोमेन का नाम है, ठीक है। तो ये चीज क्या हो गई, डोमेन नेम। तीसरी चीज, .com। अब आप देखते होगे ना कई सारी वेबसाइट ऐसी होती हैं जिनमें किसी में .com होगा, किसी में .org होगा, किसी में .edu होगा, यानी ये क्या बताती है, ये बताती है भैया .edu है, यानी कि ये एजुकेशन से रिलेटेड वेबसाइट है, .org है यानी ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड वेबसाइट है, .com है यानी ये कमर्शियल वेबसाइट है। तो इस तरीके से जो भी ईमेल एड्रेस होगा उसके बाद डॉट के बाद डॉट कॉम या कोई ना कोई कोड जरूर लिखा होगा, तो बेसिकली ये चीज क्या होती है, com.org.gov, ये क्या होते हैं, कोड होते हैं, ठीक है। तो एक पूर्ण ईमेल संदेश के तीन बुनियादी अंश हैं, तो क्या क्या तीन बुनियादी अंश होते हैं, तो पहला क्या होता है, पहला हो गया उपयोगकर्ता का नाम, मीन्स यूजर आईडी, दूसरा हो गया डोमेन नेम, और तीसरा हो गया डोमेन कोड, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए आंसर क्या आ जाएगा आपका, तो यहाँ पे आपका ए आंसर आ जाएगा, रफ कर देती हूँ इसको मैं, ठीक है। तो तीन अंश कौन कौन से हो गए, उपयोगकर्ता का नाम, डोमेन नाम और डोमेन का कोड। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं, तो क्या बोल रहा है, वर्तमान वेब को अपनी फेवरेट की सूची में डालने के लिए, ठीक है, जैसे कि फिलहाल में आप किसी वेबसाइट पर हो, अब आपको वेबसाइट अच्छी लग रही है, आपको लग रहा है कि मेरे को फिर से इस वेबसाइट की आवश्यकता पड़ेगी, तो आप उसको क्या करोगे, फेवरेट की सूची में डाल दोगे, ठीक है। तो फेवरेट की सूची में डालने के लिए क्या करना होता है, तो यहाँ पे ऑप्शन देखिए, क्लिक फाइल फेवरेट, क्लिक फेवरेट, ऐड टू फेवरेट, क्लिक ऐड फेवरेट, दिए गए सभी। तो देखिए क्लिक फेवरेट, ऐड टू फेवरेट, ये एक ऑप्शन आपके सामने होता है जब भी किसी वेबसाइट को आप खोलते हो, तो एक फेवरेट, ऐड टू फेवरेट एक ऑप्शन होता है, वहाँ पे आप जस्ट क्लिक करिए तो आपकी जो भी वेबसाइट है वो कहाँ आ जाएगी, फेवरेट में आ जाएगी। तो आप फेवरेट जो वेबसाइट्स होती है वो क्या होती है, बेसिकली आपको सीधा सीधा लिंक देती हैं, आप वहाँ से साथ जाके सीधे अपनी वेबसाइट को खोलो, तो आपको सर्च नहीं करना पड़ेगा बार बार, ठीक है। तो इसका जो उचित आंसर है वो कौन सा, बी है, क्लिक फेवरेट, ऐड टू फेवरेट। नेक्स्ट, चित्र में किसका आइकन दर्शाया गया है, अब बताइए जो दिख रहा है ना ये काय का आइकन है, तो देखिए यहाँ तो ये समझ में आ रहा है ये पीसी है, और ये क्या है, इंटरनेट है,
ठीक है। तो ये जो पीसी है बेसिकली कहाँ रखा रहता है, आपके घर में रखा रहता है। और जब आपका पीसी आपके घर में, तो जब इसमें इंटरनेट चलता है तो बेसिकली मान ली, तो क्या होता है, जैसे मान लीजिए आपके घर में कंप्यूटर है, आपने वहाँ पे इंटरनेट कनेक्शन ले रखा है, तो क्या करोगे आप इंटरनेट कनेक्शन लेने के लिए, आपने क्या किया होगा, ना किसी इंटरनेट प्रोवाइडर वाली कंपनी से बात की होगी, जैसे कि कोई किसी ने एयरटेल से बात की होगी, आपने BSNL से बात की होगी, या ढेरों जो भी हैं, है ना, कई सारी कंपनियाँ हैं वोडाफोन की हैं। तो आप क्या करते हो, जब भी आपको अपने कंप्यूटर पे कोई कनेक्शन चाहिए होता है, तो आप किसी ना किसी जो ऐसी कंपनी से बात करते हो जो इंटरनेट प्रोवाइड करती है, ठीक है। तो जब आप उनसे बात करते हो तो आपसे कुछ पैसा लेते हैं और आपके घर में आपके कंप्यूटर से एक तार को जोड़ देते हैं। अब वो बात दूसरी कि भाई आजकल वायरलेस का भी टाइम है, वाईफाई लगवा लेते हैं लोग, है ना, पहले का टाइम था वायर के थ्रू ही हो जाता था, लेकिन होता तो यही है ना, आपको किसी ना किसी कंपनी से तो बात करनी होगी ना। तो आपके घर में कोई कंप्यूटर है उसमें जो इंटरनेट चल रहा है, या बहुत ही सिंपल सा एग्जांपल ले ले कि आपके मोबाइल में जो इंटरनेट चल रहा है वो किसकी सहायता से चलता है, तो वो चलता है किसी ना किसी कंपनी की सहायता से जो कि इंटरनेट प्रोवाइड करती है, ठीक है। तो ऐसी कंपनी जो आपको इंटरनेट की सेवा प्रदान करती है उसको हम ISP कहते हैं। क्या बोलते हैं, ISP। ISP का पूरा नाम होता है, आई का मतलब होता है इंटरनेट, ध्यान रखिएगा, S का मतलब होता है सर्विस, और P का मतलब होता है प्रोवाइडर, ठीक है। चाहो तो कॉपी में लिख लेना, I से इंटरनेट, S से सर्विस, P से प्रोवाइडर। तो इसका जो सही आंसर है वो कौन सा हो गया, ISP मीन्स इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। तो बेसिकली जो अरेंजमेंट दिख रहा है ना कि किसी घर में इंटरनेट की सेवा आ रही है, तो ये सेवा कौन प्रदान कर रहा है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर यानी ISP। 10वां क्वेश्चन देख लेते हैं। तो 10वां क्वेश्चन कहता है, इंटरनेट पर किसी विशेष विषय पर चर्चा करने को कहते हैं। अब इंटरनेट पर यदि आपको कोई चर्चा करनी है विशेष, तो हम क्या करते हैं उसमें, हम क्या करते हैं, जैसे कि तो हम क्या करते हैं, देखिए आपने देखा होगा इंटरनेट पर कई सारे ब्लॉग्स होते हैं, कई सारी चीज़ें ऐसी होती है, जैसे कि हमें कोई क्वेश्चन नहीं आता ना, हमें किसी चीज़ का मतलब जानना हो, तो कई सारी वेबसाइट ऐसी होती हैं कि प्रदान करती हैं कि भाई आप अपनी क्वेरी वहाँ पर पूछ दो, आप अपने क्वेश्चन वहाँ पर डाल दो। अब उससे रिलेटेड कई लोग आएंगे जिनको उनका आंसर पता होगा, तो वो क्या करेंगे, अपने आंसर्स वहाँ पे पुट करते चले जाएंगे। तो ऐसे कंडीशन में क्या होता है, किसी विशेष विषय पर क्या होती है, चर्चा होती है इंटरनेट पे। जैसे कि आपको जानना है कंप्यूटर क्या होता है, तो वो वाली बात तो दूसरी कि आपने इंटरनेट कंप्यूटर क्या होता है इंटरनेट पर ढूंढ लिया, लेकिन आपको कुछ लोगों से इसके बारे में राय जाननी है, है ना। अब मान लो चलो कंप्यूटर क्या होता है बहुत ही पुराना हो गया, मान लीजिए करंट में कुछ चल रहा है, जैसे कि आजकल ऑनलाइन टीचिंग का टाइम आ चुका है, अब आपको जानना है कि ऑनलाइन टीचिंग अच्छी है या नहीं है, लोगों की राय जानना है, तो कई सारी वेबसाइट ऐसी होंगी जो कि आपको ये क्वेश्चन पुट करने का अवसर देंगी, ठीक है। तो आप उन वेबसाइटों पे जाके ऑनलाइन कोचिंग अच्छी है यानी एक क्वेश्चन अपना पुट करके छोड़ सकते हो। अब उसमें क्या होगा, कई सारे लोग आएंगे और अपने अपने व्यूज वहाँ पर रख देंगे उस वेबसाइट पर, तो एक विशेष विषय पर चर्चा होगी ना उस पेज पर या उस वेबसाइट के उस पेज पर, ठीक है। तो इस तरीके के जो ग्रुप होते हैं ना जिसमें विशेष विषय पर चर्चा होती है इंटरनेट के माध्यम से, उसको हम बोलते हैं न्यूज़ ग्रुप, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, इंटरनेट पर किसी विशेष विषय पर चर्चा करने को कहते हैं न्यूज़ ग्रुप। नाउ स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 11th नंबर का, इसमें पूछा जा रहा है .gov.edu.mil और .net और .net वगैरह एक्सटेंशन को कहते हैं। देखिए अभी मैंने आपको जस्ट एक एग्जांपल बताया था ना जीमेल का, मैंने कहा था सपोज आपकी कोई जीमेल है, तो एक तो हो गया सपोज ABC, जैसे आपका नाम प्रीति शर्मा है, तो यहाँ पे सपोज हो गया प्रीति शर्मा 123 या XYZ प्रीति शर्मा ABC कुछ भी हो सकता है। तो ये क्या होता है आपका यूजर आईडी, अभी बताया था, है ना, यहाँ पे @ होता है, उसके बाद जो भी वेबसाइट होती है उसका नाम होता है जिसको हम बोलते हैं डोमेन नेम, अभी जस्ट मैंने आपको बताया है, और उसके बाद यहाँ पे लगता है डॉट और उसके बाद लिखा होता है कॉम। तो ये जो कॉम है इसकी जगह इसके होता है, इससे कई सारी वेबसाइट होती हैं, जैसे कमर्शियल से रिलेटेड है तो वेबसाइट में हमेशा .com पीछे लगा होगा, यदि एजुकेशन से रिलेटेड है तो पीछे .edu लगा होगा, यदि गवर्नमेंट की वेबसाइट है तो .gov लगा होगा, फाइन ना। तो बेसिकली जो .gov.edu जो कि किसी भी वेबसाइट पे या किसी भी ईमेल एड्रेस पे लास्ट में लगा होता है, इसको हम बोलते हैं डोमेन कोड, ठीक है। तो
तो ये जो डॉट जियो भी यहाँ पे हमको दिख रहा है, डॉट ईडीओ दिख रहा है, डॉट एमआईएल दिख रहा है, एमआईएल का मतलब होता है मिलिट्री, ठीक है, और यहाँ पे डॉट नेट दिख रहा है। तो बेसिकली डॉट के बाद जो भी चीज़ लगी होती है ना, इसको हम एक्सटेंशन भी कहते हैं, ठीक है। जैसे डॉट कॉम भी क्या है, एक एक्सटेंशन है, ठीक है। तो किसी भी वेबसाइट के पीछे जो डॉट के बाद जो भी लगा होता है ना, डॉट से लेकर जो भी लिखा होता है, जैसे डॉट कॉम हो गया, डॉट ऑर्गेनाइज, डॉट ओ आर जी हो गया, डॉट जी ओ वी हो गया, इसको हम एक्सटेंशन भी कहते हैं, ठीक है। तो इसको एक्सटेंशन भी कहते हैं, साथ ही साथ में इसको हम कहते हैं डोमेन कोड, ठीक है। इसके पहले मैंने आपको बताया था, अभी बता रही हूँ कि ये जो डॉट के साथ लिखा होता है, इसको हम एक्सटेंशन नेम भी कहते हैं वेबसाइट का, और इसको हम डोमेन कोड भी कहते हैं। तो हमारा जो सही आंसर है वो कौन सा हो जाएगा, डोमेन कोड। आगे बढ़ते हैं, तो अब 12वां क्वेश्चन, जब आप कोई पता टाइप करते हैं, जैसे http://mkcl.org, तो .org का क्या तात्पर्य, ठीक है। तो यहाँ पे आपको दो चीज़ समझ में आ गई, कि जो जो लिखा होता है ना .org.com.gov, इसको हम क्या बोलते हैं, डोमेन कोड बोलते हैं, या फिर हम इसको एक्सटेंशन नेम भी कहते हैं। लेकिन पूछ रहा है .org का तात्पर्य क्या है, मतलब .org लगाने के पीछे उद्देश्य क्या है। तो .org ये बता रहा है कि भाई ये एक ऑर्गेनाइजेशन की वेबसाइट है, यदि .com लगा होता तो बताता ये कमर्शियल वेबसाइट है, .edu लगा होता तो उससे तात्पर्य ये होता है कि ये भैया एक एजुकेशन की वेबसाइट है, ठीक है। तो यहाँ पे ये नहीं पूछा कि ये .org कोड है या एक्सटेंशन है, वो पूछा .org का तात्पर्य क्या है, मतलब क्या है, क्यों लगाते हैं हम .org, तो ये बताने के लगाते हैं कि ये एक ऑर्गेनाइजेशन की वेबसाइट है, ठीक है। तो ए जो है वो हमारा करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। नाउ 13वां क्वेश्चन आता है, DNS का तात्पर्य है। अब यहाँ पे DNS क्या होता है, तो नाम जान लीजिए, डी का मतलब होता है यहाँ पे डोमेन, ठीक है, एन का मतलब होता है नेम, और एस का मतलब होता है सिस्टम, ठीक है, डोमेन नेम सिस्टम। ये डोमेन नेम सिस्टम क्या होता है, तो देखिए आपकी मैंने आपको अभी जस्ट बताया था कि जैसे कोई वेबसाइट हो रही है जो आपके कंप्यूटर में ओपन होती है, तो वेबसाइट जो आपके कंप्यूटर में ओपन हो रही है वो ऐसे कहीं हवा में तो रखी नहीं है, वो किसी ना किसी कंप्यूटर पर रखी हुई है, ठीक है। और कंप्यूटर को हम क्या बोलते हैं, डोमेन बोलते हैं, ठीक है। तो जितने भी कंप्यूटर बेसिकली होते हैं ना, इन कंप्यूटरों का अपना एक नाम भी होता है, ठीक है। लेकिन जो जैसे कि हमारा एंड्रॉयड मोबाइल होता है, जैसे मोबाइल होता है, सीधे सवाल, अब इस मोबाइल का एक IMEI नंबर होता है। क्या होता है IMEI नंबर, किसी भी मोबाइल का या किसी भी मोबाइल का देखिए एक हार्डवेयर एड्रेस होता है, जिससे उस मोबाइल की पहचान होती है। सही, आपका मोबाइल चोरी हो जाता है ना, तो IMEI नंबर से मिलता है, क्योंकि सिम कार्ड का जो नंबर होता है, सिम तो कोई भी निकाल के फेंक देता है, लेकिन जो IMEI नंबर है उससे आपके मोबाइल का जो हार्डवेयर है उसकी पहचान होती है, पता चल जाता है कि नहीं भैया उस व्यक्ति ने खरीदा था, उसके पास बिल है इसका, ये मोबाइल उसका है, ठीक है ना। तो जो IMEI नंबर होता है वो क्या होते हैं, वो नंबर्स होते हैं, है ना। ऐसे कि कोई मोबाइल उसका नंबर सपोज कुछ भी हो गया 1872534 कुछ भी हो सकता है, बड़ा सा नंबर होता है, बीच में ECD वगैरह लगे होते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। क्या ये प्रत्येक मोबाइल के जितने भी आपके रिलेटिव्स हैं, जितने भी आपके रिश्तेदार हैं या आपके फ्रेंड्स हैं, क्या ये EMI नंबर आपको याद रखना सरल होता है, इवन आपको भी अपना इवन आपको भी अपने मोबाइल का IMEI नंबर याद नहीं होगा, ठीक है ना। लेकिन क्या चीज याद रहती है हमारे मोबाइल की, तो देखिए हमारे मोबाइल में सिम कार्ड हम डालते हैं, सिम कार्ड का एक नंबर होता है, ठीक है। अब नंबर से भी सबको हम याद नहीं रखते, क्या करते हैं, किसी का भी नंबर होता है उसका हम अपने मोबाइल में फिट करते हैं, सेव करते हैं, और उस नंबर पे हम कोई ना कोई नाम दे देते हैं। अब नाम से क्या होता है, हमें याद रखना सरल होता है, जैसे किसी का भी मोबाइल नंबर है, इवन पूरे परिवार की मोबाइल नंबर है तो आपको याद नहीं होंगे, लेकिन नाम समझ में आ जाएगा। जैसे कि हम क्या करते हैं, उसको कोई हमें मम्मी के नाम नंबर है तो हम उसे मम्मी के नाम से सेव कर देंगे, पापा का है तो पापा के नाम से सेव कर देंगे, ठीक है ना। अब मम्मी और पापा देखते हैं, हमें समझ में आता है कि मम्मी का फ़ोन है। वास्तव में देखा जाए तो जो कॉल आ रही है वो सिम के नंबर पर आ रही है, जो 10 डिजिट का है, जो कि हमें याद रखना मुश्किल नहीं हो रहा, ठीक है। लेकिन हमें याद रहे इस कारण क्या करते हैं, हम जो नंबर होता है उसको हम कुछ ना कुछ नाम दे देते हैं। जैसे हमारी फ्रेंड का है मोबाइल नंबर, तो हमने उसका नंबर सेव किया, नंबर तो हमारे याद रखना उसकी बात नहीं है, मोबाइल में सेव किया उसका नंबर और उसका नाम लिख दिया भाई प्रीति शर्मा,
मम्मी का नंबर है, सेव किया, लिख दिया मम्मी। अब मम्मी के नाम से हमारे दिमाग में सेट हो गया कि भाई मम्मी का नंबर है ये, फाइन। तो बेसिकली जो नंबर लग रहा है आपके मोबाइल पे लग रहा है वो कोई मम्मी का नहीं लग, वो कोई मम्मी नाम से नहीं लग रहा है, वो तो आपके सिम पर लग रहा है, जो सिम का नंबर है वो लग रहा है। लेकिन आपके मोबाइल में चूंकि उस वो वाला नंबर मम्मी के नाम से सेव है, तो आपकी जो स्क्रीन है उस पर मम्मी कॉलिंग दिखाने लगता है, फाइन ना, यही होता है ना। तो इसी प्रकार ये जितने भी आपके कंप्यूटर हैं, इन कंप्यूटरों के भी अपने एक हार्डवेयर एड्रेस होते हैं, जो कि काफी बड़े बड़े होते हैं, लंबे लंबे नंबर होते हैं, ठीक है। अब इतने बड़े बड़े नंबरों को हम याद नहीं रख सकते, ठीक है। तो क्या किया जाता है कि कंप्यूटरों को भी हम क्या करते हैं, कोई ना कोई नाम दे देते हैं, ठीक है। जैसे कि हम यहाँ पे बात करते हैं ना, आप अमेजन सर्च करते हो, अमेजन की वेबसाइट से सामान खरीदते हो, तो अमेजन तो क्या है, एक नाम है। वास्तव में जो अमेजन वेबसाइट है वो किसी ना किसी कंप्यूटर पर रखी हुई है। और मैंने आपको बताया था कंप्यूटर को हम क्या बोलते हैं, डोमेन कहते हैं, ठीक है। अब ये जो डोमेन है ना, इसका अपना कोई बहुत बड़ा नंबर होगा, एक हार्डवेयर एड्रेस होगा जिसपे अमेजन की वेबसाइट रखी हुई है, ठीक है। अब इतना बड़ा नंबर हमें जाने कितनी ढेरों वेबसाइट है आजकल, तो अमेजन, फ्लिपकार्ट, सोचिए अगर इसको नंबर से याद रखना होता तो आपके लिए पॉसिबल होता, नहीं होता ना, ठीक है। तो ये वेबसाइट रखी हुई है ना, इस वेबसाइट को से अमेजन की वेबसाइट यहाँ पे रखी हुई है, तो ये क्या हो गया, बेसिकली अमेजन का एक सर्वर हो गया, है ना। तो हम सपोज इसका नाम दे देते हैं अमेजन। अब अमेजन नाम क्या हमें याद रखना सरल है ना। ऐसे कोई और सर्वर उसका नाम हमने दे दिया फ्लिपकार्ट, ऐसे जीमेल का सर्वर है हमने जीमेल नाम दे दिया, ऐसे फेसबुक का सर्वर है हमने उसको फेसबुक नाम दे दिया। तो हमने क्या कर दिया, कंप्यूटर को नाम दे दिया, ठीक है। तो यही जो कंप्यूटरों को हम नाम दे देते हैं ना ताकि हमको वो याद रहे, तो उसी चीज को हम बोलते हैं डोमेन नेम सिस्टम, ठीक है। डोमेन नेम सिस्टम में क्या होता है, कंप्यूटर का जो नंबर होता है वास्तव में वो किसी न किसी नाम से पहचाने जाने लगता है। जैसे कि सिम कार्ड के नंबर होते हैं ना, हमारी मम्मी का मोबाइल का जो नंबर है वो मम्मी के नाम से पहचान होने लगी, लेकिन वास्तव में जो वर्क कर रहा है वो सिम कार्ड का नंबर कर रहा है, फाइन। प्रकार जो कंप्यूटर होते हैं ना, इन कंप्यूटर सिस्टमों के अपने एड्रेस होते हैं, एक नेटवर्क का एड्रेस अलग होता है और एक उनका हार्डवेयर का एड्रेस अलग होता है, ठीक है। अब ना तो हमारे नेटवर्क एड्रेस याद करने की क्षमता है हमें कि हम इतनी सारी वेबसाइटों के नेटवर्क एड्रेस याद कर लें, ना हम हार्डवेयर के एड्रेस याद कर सकते। तो क्या किया जाता है कि जो कंप्यूटर के एड्रेस है ना, उनको किसी ना किसी नाम से अटैच कर दिया जाता है। तो उसी जब हम उस नाम से उस चीज़ को कॉल करते हैं ना, तो वो नंबर ऑटोमेटिकली क्या हो जाता है, कॉल हो जाता है, ठीक है। तो किसी भी कंप्यूटर के एड्रेस को उसका नाम दे देना कहलाता है डोमेन नेम सिस्टम, ठीक है। बात छोटी सी थी लेकिन समझा इसलिए क्योंकि इसको थोड़ा समझाना डीप में ही पड़ा है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे जी पूछ रहे हैं कि डीएनएस से क्या तात्पर्य है, तो डीएनएस से तात्पर्य होता है डोमेन नेम सिस्टम। आगे बढ़ते हैं। तो वेब की दुनिया में एक साइट से दूसरी साइट पर जाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। देखिए जब हम वेबसाइट चलाते हैं तो हम क्या करते हैं, एक वेबसाइट से दूसरी वेबसाइट पर चले जाते हैं, है ना। कई बार क्या होता है, वेबसाइट पर लिंक होते हैं, है ना। जैसे होम का लिंक हो गया, आपने उस पर क्लिक कर दिया तो उसी वेबसाइट के आप होम पर चले गए। कई बार एक वेबसाइट से दूसरी वेबसाइट पर आप क्लिक कर जाते हो, कई बार होता है कि हम कोई वेबसाइट पर काम कर रहे हैं और उसमें किसी दूसरी वेबसाइट का एड्रेस आ गया, है ना। हमको लगा नहीं भैया बढ़िया वेबसाइट, इस पर भी जाके देख सकते हैं, तो उस पर हमने जस्ट क्लिक किया तो हम दूसरी वेबसाइट पे पहुंच गए। तो एक वेबसाइट से दूसरी वेबसाइट पे जाने की जो प्रक्रिया है इसको हम बोलते हैं नेविगेटिंग, ठीक है। नेविगेटिंग का सीधा अर्थ होता है एक जगह से दूसरी जगह जाना। 15वां क्वेश्चन देखते हैं। तो 15वां क्वेश्चन कहता है, इंटरनेट के माध्यम से आप निम्न में से किस प्रकार की सुविधाएं प्राप्त कर सकते हैं। तो यह क्वेश्चन पूछा गया कि इंटरनेट के माध्यम से, यानी इंटरनेट के माध्यम से आप इनमें से कौन सी सुविधा प्राप्त करते हैं। ऑनलाइन टिकट बुक करना बिल्कुल कर सकते हैं, ऑनलाइन बिल पेमेंट बिल्कुल कर सकते हैं, ईमेल भेजना बिल्कुल कर सकते हैं, उपयुक्त सभी। तो बिल्कुल आंसर हमारा सीधे सीधा समझ में आ रहा है, उपयुक्त सभी आंसर हो जाएगा। वायरलेस नेटवर्क में डाटा ट्रांसमिट करने के लिए टैच प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अब देखिए वायरलेस नेटवर्क तो आजकल सभी दूर चल रहा है, वायर का तो जमाना जो है लगभग जा चुका है। ऐसा नहीं कि आज भी नहीं है, आज भी वायर कनेक्शन होते हैं, लेकिन जो आम चलन में, यानी जो ज्यादा चलन में वो, लेकिन जो ज्यादा चलन में वो कौन से हो गए हमारे आजकल, वायरलेस हो गए, ठीक है। अब आजकल जो भी डेटा ट्रांसफर होता है इंटरनेट के जरिए अधिकतर वायरलेस होता है। तो वायरलेस से जब डेटा ट्रांसफर हो रहा है तो बेसिकली वो किस रूप में होता है, सिग्नल के रूप में होता है, ठीक
ठीक है। तो कौन से सिग्नल का हम यूज करके अपने डाटा को एक जगह से दूसरी जगह भेजते हैं, तो यहाँ पे देखिए तीन सिग्नल्स के नाम दिए, माइक्रोवेव। तो हाँ, इंटरनेट पर डाटा ट्रांसफर करने के लिए हम एक माइक्रोवेव सिग्नल का भी यूज करते हैं। इंफ्रारेड, हाँ, डाटा को इधर से उधर ट्रांसफर करने के लिए हम इंफ्रा रेड सिग्नल का भी यूज करते हैं। अब तो इंफ्रारेड सिग्नल जो है वो कम यूज होने लगे हैं, ज्यादातर ब्लूटूथ यूज होते हैं हमारे मोबाइल फोन्स में, पर पहले इंफ्रारेड सिग्नल्स के द्वारा हमारा डाटा मूव होता था, ठीक है ना। रेडियो चैनल, हाँ, रेडियो चैनल के द्वारा भी डाटा एक जगह से दूसरी जगह मूव होते हैं। तो बेसिकली ये क्या है, ये सिग्नल्स हैं जिनके जरिए डाटा एक जगह से दूसरी जगह मूव होता है। और किस तरीके से, वायरलेस माध्यम में। यदि आप वायरलेस अपने डाटा ट्रांसफर कर रहे हैं तो कुछ सिग्नल्स होते हैं जिनके द्वारा हमारा डाटा मूव होता है, तो वो माइक्रोवेव भी होता है, वो इंफ्रारेड भी होता है, वो रेडियो भी होता है। तो जो सही आंसर है वो हमारा आ जाएगा उपरोक्त सभी। 17वां क्वेश्चन देखते हैं। डैश एक फाइल जो ईमेल मैसेज के साथ जुड़कर जाती है। अब इनमें से कौन सी फाइल ऐसी है जो ईमेल के साथ जुड़कर जाती है। देखिए, जब भी हम अपनी ईमेल में किसी भी फाइल को जोड़ते हैं ना, तो वो चीज़ कहलाती है अटैचमेंट, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे सही आंसर आ जाएगा अटैचमेंट। अटैचमेंट ही वो फाइल होती है, यानी हम किसी फाइल को जोड़ देंगे ना, वो क्या हो जाएगा, उसका अटैचमेंट हो जाएगा। सो जब भी हम किसी को मेल भेजते हैं और उसमें हमने फाइल जोड़ रखी है, तो फाइल हमारी चली जाएगी, यानी हमारा अटैचमेंट जो है वो एक जगह से दूसरी जगह या जिसको भी हमने मेल भेजा है उसको पहुंच जाएगा, ठीक है। तो जो अटैचमेंट फाइल है वो ईमेल मैसेज के साथ जुड़कर एक जगह से दूसरी जगह चली जाती है। 18वां क्वेश्चन देखते हैं। तो कहते हैं, पूछ रहा है स्पैम क्या होता है। तो यहाँ पे देखिए, हमारे पास ईमेल आईडी होती है, ईमेल आईडी पे कई सारे मेल आते हैं। अब कुछ मेल तो ऐसे होते हैं जो कि हमारे नोन होते हैं, हमने या तो उस लेटर को सब्सक्राइब किया होता है, जैसे कि आजकल naukri.com चल रहा है, naukri.com को सब्सक्राइब कर लोगे तो वो क्या आपके पास नौकरियों के कई सारे मेल भेजता रहेगा। कुछ होते हैं फ्रेंड्स के, कुछ कंपनियों के जिनको आपने अपना ईमेल आईडी दे रखा है कि भैया इसके जरिए तुम हमसे कॉन्टैक्ट कर लेना, उनके आते हैं। लेकिन कुछ मेल ऐसे भी आते हैं जो कि अनवांटेड होते हैं, जो जिनका आपसे कोई लेना देना नहीं है, आप उनको नहीं जानते, ठीक है। तो ऐसे कई सारे लोग होते हैं जो कि ढेरों मेल करते हैं सबको, तो जो अनवांटेड मेल्स होते हैं जो कि हर किसी के आ जाते हैं जिनको आप नहीं जानते, तो वो मेल हमारे कहाँ चले जाते हैं, हमारे ईमेल आईडी में एक स्पैम नाम का फोल्डर होता है, वहाँ पे हमारे अनचाहे मेल चले जाते हैं, ठीक है, ये अनचाहे संदेश चले जाते हैं। अब ऐसा नहीं है कि सभी संदेश उसमें अनचाहे चले जाते हैं, मैं आपको यहाँ पे एक बात तो बताना चाहती हूँ। कंप्यूटर के अंदर क्या आईक्यू नहीं होता, इसके अंदर तो सेटिंग होती है, जैसे प्रोग्रामर ने इसमें सेटिंग कर दी वैसा ये काम करता है। तो कई बार, हालांकि बहुत रेयर होता है, हमेशा नहीं होता, कई बार कुछ ऐसे जरूरी मेल भी हैं जैसे आपके फ्रेंड ने भेजे, आपके रिलेटिव ने भेजे, या आपके जहाँ आप नौकरी करते हो वहाँ की कंपनी से आए, तो कई बार वो मेल भी स्पैम में चले जाते हैं। हर बार नहीं, कई बार या रेयर ही ऐसा होता है, ठीक है। तो कई बार ऐसा हो कि किसी ने आपको मेल भेजा हो, आपको इनबॉक्स में नहीं मिल रहा हो, तो एक बार आप उसको स्पैम में भी जरूर चेक कर लिया करिए, वो मेल कई बार स्पैम में भी चला जाता है, ठीक है। तो स्पैम में वैसे ऑलमोस्ट जो मेल जाते हैं ना, वो तो अनचाहे संदेश भी होते हैं, पर कभी कभार चले जाते हैं सही मैसेज भी उसमें, है ना। तो बेसिकली जो स्पैम है वो अनचाहे मैसेज के लिए ही बना है ना। अब वो जो मैसेज आपके पास सही आते हैं, किसी रिलेटिव के, किसी फ्रेंड के, किसी कंपनी के आते हैं, वो भी स्पैम में चले जाते हैं। तो बेसिकली क्या होता है, थोड़ी सी सेटिंग, टेक्निकल सेटिंग्स में दिक्कत हो जाती है, इस कारण वो चले जाते हैं, है ना, क्योंकि कंप्यूटर के अंदर अपना कोई आईक्यू नहीं होता, ठीक है। तो वो जो सेटिंग्स प्रोग्रामर ने सेट किया हुआ डाटा, उस हिसाब से वो चला जाता है ना। तो बेसिकली जो स्पैम है ना, वो अनचाहे संदेश के लिए ही बना है, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है हमारे दोस्तों के द्वारा भेजे हुए मैसेज का हम आंसर नहीं लिखेंगे, क्योंकि जो स्पैम है वो अनचाहे संदेश के लिए ही बना है। वो रेयर चांस होता है, सेटिंग गलत हो जाती है या कोई टेक्निकल इशू आ जाता है, तो वो स्पैम में जाता है मैसेज, ठीक है। तो स्पैम जो होते हैं वो क्या है, अनचाहे संदेश के लिए बने हैं। तो यहाँ पे आपको अनचाहे संदेश से क्लिक कर कर आना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, 19 नंबर का। तो आता है डैश एवं डैश का उपयोग करके वर्ल्ड वाइड वेब पर आप किसी विशेष विषय पर चर्चा कर सकते हैं। अब दो चीजें ऐसी हैं जिनका उपयोग करके हम वर्ल्ड वाइड वेब यानी इंटरनेट पर किसी विशेष विषय पर सर्च कर सकते हैं। हम किसी भी चीज़ पर जब ये यदि हमको सर्च करना हो तो हम किसका यूज़ करते हैं, अभी मैंने बताया था आप अधिकतर गूगल का यूज़ करते हो, है ना। तो गूगल जो है उसको हम क्या बोलते हैं, सर्च इंजन। इसी तरीके से एक इंडेक्सेस भी होता है, इंडेक्सेस पे भी आप अपने डाटा को सर्च कर सकते हो। आपका सर्च इंजन होता है ना गूगल सर्च इंजन, ऐसे इंडेक्सेस भी होता है, ठीक है। तो
आप सर्च इंजन और इंडेक्सेस का यूज करके इंटरनेट पे, यानी इंटरनेट को हम क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, वर्ल्ड वाइड वेब है ना, तो वर्ल्ड वाइड वेब पर या इंटरनेट पर आप किसी भी विशेष विषय पर सर्च कर सकते हैं। तो सही आंसर हमारा हो जाएगा सर्च इंजन एंड इंडेक्सेस। नंबर 20 देख लेते हैं। तो हमने यहाँ पे लिखा है इंटरनेट पर भेजी गई सूचना को किस प्रकार के टुकड़ों में विभाजित किया जाता है। देखिए इंटरनेट पर जो मैसेज जाता है ना, चाहे वो आपने व्हाट्सएप से भेजा हो या ईमेल आईडी से भेजा हो, तो जो भी मैसेज आप भेजते हो ना, बड़ा मैसेज, वो बेसिकली पूरा बड़ा के बड़ा मैसेज एक साथ ट्रांसफर नहीं होता। ध्यान रखिएगा, आपके मैसेज हमेशा छोटे छोटे टुकड़ों में बटकर जाते हैं, ठीक है। तो जैसे कि आपका पूरा मैसेज है ना, जैसे कि सपोज आपने मैसेज लिखा ABCDEFGHI है ना, एग्जाम्पल बता रही हूँ, क्या है ना, तो बेसिकली आपने बहुत बड़ा मैसेज किया, तो क्या होगा जब ये ट्रांसफर होगा ना एक जगह से दूसरी जगह, तो बेसिकली क्या होगा, ये मैसेज ऐसा पूरा पूरा ट्रांसफर नहीं होगा, इस मैसेज के ऐसे छोटे छोटे पार्ट्स बन जाएंगे, यानी आपके मैसेज के छोटे छोटे टुकड़े हो जाएंगे। तो मैसेज के छोटे छोटे टुकड़े होने को हम क्या बोलते हैं यहाँ पे, पैकेट बनना, ठीक है। जैसे कि देखा होगा ना आपने, अधिकतर सामान, हम सामान जो होता है बोरियों में आता है, मालगाड़ी से आएगा तो पूरा बल्क में आएगा, बाहर से आएगा, बोरों में आएगा, कुंटलों में आएगा, फिर क्या होता है हम उसके छोटे छोटे पैकेट बना देते हैं, है ना, फिर क्या होता है उसके छोटे छोटे पैकेट बनते हैं जो कि मार्केट में बिकते हैं। फाइन, ऐसा मतलब एक छोटा सा उदाहरण है। तो बहुत ही बल्की चीज़ होती है, उसको हम छोटे छोटे भागों में बांट देते हैं, उनको सेपरेट कर देते हैं, प्रॉपर तरीके से सेट कर देते हैं, तो बेसिकली हम वो बल्क साइज के चीज़ों को क्या कर देते हैं, छोटे छोटे पैकेट में बांट देते हैं। इसी प्रकार जो आपका मैसेज होता है ना, बड़ा मैसेज, वो छोटे छोटे भागों में बट जाता है। तो ये जो आपका मैसेज छोटे छोटे भागों में बटता है, इसको हम यहाँ पे पैकेट कहते हैं, ठीक है। तो इंटरनेट के जरिए जो भी सूचनाएं भेजी जाती हैं, वो बेसिकली छोटे छोटे टुकड़ों में बटकर, यानी पैकेट के रूप में बटकर ही एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर होती है। अब आप कहेंगे कि जब प्राप्त होता है मैसेज तो क्या टुकड़ों में प्राप्त होता है? हाँ, मैसेज बेसिकली आपके मोबाइल पे छोटे छोटे टुकड़े जो यहाँ से गए थे ना, यही छोटे छोटे टुकड़े आपके मोबाइल पे पहुँचते हैं, लेकिन आपके मोबाइल पर जैसे वो आने वाले होते हैं या आपके, लेकिन जैसे वो आपके मोबाइल पे आते हैं, वैसे ही वो क्या हो जाते हैं, पूरे के पूरे पापड़ से इकट्ठे हो जाते हैं और आपके मोबाइल पर प्राप्त हो जाते हैं, ठीक है। तो जो भी सूचना इंटरनेट पर भेजी जाती है, वो किस प्रकार के टुकड़ों में विभाजित की जाती है? तो पैकेट के प्रकार में विभाजित की जाती है। सही आंसर हो गया पैकेट। नाउ अब हम यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है। वैसे ये क्वेश्चन भी आपके असेसमेंट में आ सकते हैं, लेकिन ये क्वेश्चन आपके अधिकतर मेन एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन आता है, इंटरनेट का मुख्य उपयोग है, बताइए इंटरनेट का हम कहाँ यूज करते हैं? संचार के कम्युनिकेशन में यूज करते हैं, क्या शिक्षा के क्षेत्र में यूज करते हैं, क्या हम फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन के लिए यूज करते हैं, या उपरोक्त सभी? तो आप सभी जानते हैं कि भाई आजकल तो इंटरनेट हर जगह यूज में आता है, तो सही आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। तीसरा क्वेश्चन हमारा बनता है, एक उपयोगकर्ता को इंटरनेट तक पहुंचने से पहले निम्न में से कौन सा आवश्यक है? तो देखिए, कोई उपयोगकर्ता है, उसको इंटरनेट चलाना है, तो इंटरनेट तक पहुंचने के लिए उसको क्या क्या चीजें चाहिए? तो देखिए इसमें लिखा है इंटरनेट सेवा। भाई अगर आपको इंटरनेट चलाना है अपने मोबाइल पे, तो आपको किसी ना किसी कंपनी से बात करनी होगी ना, जो कि इंटरनेट सेवा प्रदान करती होगी, जैसे एयरटेल हो गया, BSNL हो गया, जियो हो गया, कोई ना कोई। जैसे मोबाइल पे चलाना तो सिम कार्ड लेना पड़ेगा, लैपटॉप पे या डेस्कटॉप पे चलाना है, चलाना है, तो आप किसी न किसी सिम का यूज करते हो ना, तो बेसिकली वो क्या होती है, इंटरनेट सेवा, ठीक है। और जो प्रोवाइड करता है उसको हम क्या बोलते हैं, इंटरनेट सेवा प्रदाता, यानी इंटरनेट सेवा प्रोवाइडर, ठीक है। तो अगर आपको इंटरनेट चलाना है अपने सिस्टम में, सबसे पहले आपके पास इंटरनेट सेवा या इंटरनेट सर्विस होनी चाहिए। दूसरी, मॉडेम। देखिए आपके मोबाइल फोन, आपका मोबाइल फोन हो गया, आपका जो कंप्यूटर होगा, ये क्या है, ये डिजिटल सिग्नल्स पर वर्क करता है। ये वाली बात आप बहुत अच्छे से जान लीजिएगा। आपका मोबाइल फोन, आपका लैपटॉप, कंप्यूटर, जो भी चीज़ें हैं, जो भी आप कंप्यूटर डिवाइस है, वो किस पे काम करती है, डिजिटल सिग्नल्स पर, ठीक है। अब जो बाहर से बेसिकली जो सिग्नल्स आते हैं ना, जो बाहर से आते हैं, वो सिग्नल्स कभी भी डिजिटल नहीं होते। जो सिग्नल्स बेसिकली बाहर से आ रहे हैं या इंटरनेट सेवा प्रदाता यानी एयरटेल या BSNL की तरफ से आ रहे हैं, वो सिग्नल बेसिकली आते हैं एनालॉग फॉर्म, ठीक है। जैसे कि आपने देखा होगा ना, आपने कभी देखा होगा कि आपके घर में यदि आप वायर्ड कनेक्शन ले लेते हो, है ना, तो तार से जोड़ देते हो आप अपने लैपटॉप को, तो बेसिकली उस तार के माध्यम से जो सिग्नल्स आते हैं ना, वो कौन से होते हैं, एनालॉग। अब ये तार आपके कंप्यूटर में कनेक्ट होता है,
लेकिन आपका कंप्यूटर के अंदर यदि तार के में जो सिग्नल्स है एनालॉग यही कंप्यूटर में जाएंगे तो कंप्यूटर इन सिग्नल्स को नहीं समझ पाएगा क्योंकि कंप्यूटर तो डिजिटल सिग्नल समझता है। तो क्या करते हैं हम यहाँ पे एक डिवाइस का यूज करते हैं और उस डिवाइस को हम कहते हैं मॉडेम। आपने हो सकता है यदि कहीं पे भी ऐसी व्यवस्था देखी हो यहाँ पे कि वायर के द्वारा कनेक्शन आ रहा हो या इंटरनेट आ रहा हो तो आपने देखा होगा एक ब्लैक कलर का डिब्बा रखा रहता है और उस ब्लैक कलर के डिब्बे से ही हम एक तार को अपने कंप्यूटर से अटैच करते हैं। तो बेसिकली जो ब्लैक कलर का डिब्बा होता है ना इसको हम बोलते हैं मॉडेम। ठीक है, ये मॉडेम क्या कहता है, मॉडेम एनालॉग सिग्नल्स को डिजिटल सिग्नल्स में कन्वर्ट करने का काम करता है। तो मॉडेम नहीं होगा तो कंप्यूटर में एनालॉग सिग्नल ही चले जाएंगे और कंप्यूटर उस सिग्नल्स को नहीं समझ पाएगा। ठीक है, तो एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल्स में कन्वर्ट करने का काम कौन करता है, मॉडेम करता है। तो मॉडेम भी एक बहुत जरूरी डिवाइस है जो कि हमारे इंटरनेट को चलाने में मदद करती है। अब आप कहेंगे कि हम जो मोबाइल में चलाते हैं इनमें तो आवश्यकता नहीं होती। देखिए इनमें क्या होता है, इंटरनल मॉडेम होता है। ठीक है, हमारे जो ऐसे डिवाइसेस हैं इनमें नेट चलता है तो उसमें इंटरनल मॉडेम होता है। ठीक है, जो कि आपको बाहर से नहीं दिखता। तो मॉडेम क्या होता है, मॉडेम एक ऐसी डिवाइस होती है जो कि एनालॉग सिग्नल्स को डिजिटल सिग्नल्स में कन्वर्ट करती है। अब देखिए यहाँ ऐसा नहीं सिर्फ जो कंप्यूटर जिसपे आप चला रहे हो उसमें सिर्फ सिग्नल आ रहे हैं, भाई यहाँ से सिग्नल जाएंगे भी, यानी ऐसा थोड़ी ना कि उस कंप्यूटर में केवल सिग्नल्स आ रहे हैं तो एनालॉग फॉर्म में आ रहे हैं और डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट हो रहे हैं। भाई ये सिग्नल्स कहीं जाएंगे भी क्योंकि आप किसी तरह किसी को मैसेज भेजोगे भी, तो जो भी आप भेजोगे वो डिजिटल सिग्नल में भेजोगे। अब बाहर की दुनिया में यानी कंप्यूटर से बाहर डिजिटल को कोई नहीं समझता। कंप्यूटर के अंदर डिजिटल सिग्नल सबको समझ में आते हैं लेकिन कंप्यूटर से बाहर जो भी चीजें काम करती ना वो एनालॉग सिग्नल को समझती हैं। तो अब डिजिटल सिग्नल से उनको एनालॉग में कन्वर्ट होने की जरूरत है। तो बेसिकली जो मॉडर्न डिवाइस है ना, ध्यान रखिएगा, ये मॉडर्न डिवाइस एक ऐसी डिवाइस होती है जो एनालॉग सिग्नल्स को डिजिटल में कन्वर्ट करती है और फिर डिजिटल सिग्नल्स को भी एनालॉग में कन्वर्ट करती है। यानी ये एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्शन भी करती है और डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्शन भी करती है। तो यदि कंप्यूटर में डाटा आ रहा है तो एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्शन करेगी, यदि आपके कंप्यूटर से डाटा बाहर जा रहा है तो डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्शन करेगी। कौन, मॉडर्न मशीन। ठीक है, तो जब आपको इंटरनेट चलाना है तो एक तो आपको इंटरनेट सेवा आपके कंप्यूटर या मोबाइल पे होनी चाहिए, दूसरी एक मॉडेम होना चाहिए, तीसरा वेब ब्राउजर। भाई आपको नेट चलाना है तो आप नेट चलाने के लिए क्या करते हो, या तो गूगल क्रोम का यूज करोगे या मोजिला फायरफॉक्स का यूज करोगे, किसी ना किसी वेब ब्राउजर का यूज करके आप किसी वेबसाइट को खोल सकते हो, ऐसे आप किसी भी वेबसाइट को नहीं खोल सकते। तो इंटरनेट चलाने के लिए आपके पास वेब ब्राउजर भी होना अनिवार्य है। ठीक है, तो तीनों चीजें चाहिए तो हमारा जो सही आंसर आता है वो कौन सा हो जाता है, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट चलते हैं, तो तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पे बोल रहा है आईएसपी का पूरा नाम, अभी बार बार बताया है मैंने आईएसपी का मतलब, आईए का मतलब इंटरनेट, एस का मतलब सर्विस, पी का मतलब प्रोवाइडर। ठीक है, तो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर इसका पूरा नाम है। यहाँ पे देखिए जो उचित आंसर है वो आपका हो जाएगा आईएसपी, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। अब पूछा जा रहा है एक वेब ब्राउजर क्या है, भाई वेब ब्राउजर क्या होता है, तो वेब ब्राउजर क्या सिस्टम सॉफ्टवेयर, नहीं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। हाँ देखिए, वेब ब्राउजर सिंपली एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है जिसको आप इंस्टॉल करते हो अपने कंप्यूटर पर इंटरनेट चलाने के लिए। ठीक है, और कुछ वेब ब्राउजर ऐसे होते हैं जो बाय डिफॉल्ट आपको मिलते हैं, जैसे कि आप विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम को अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल करोगे ना तो इंटरनेट एक्सप्लोरर नाम का या माइक्रोसॉफ्ट एज नाम का वेब ब्राउजर आपको बाय डिफॉल्ट उसमें मिलता है। ठीक है, और यदि आप अलग से चाहते हो कि नहीं हमें तो गूगल क्रोम पे काम करना है तो आप इंटरनेट से गूगल क्रोम को इंस्टॉल कर लो, लेकिन बिना मोजिला फायरफॉक्स के, बिना गूगल क्रोम के, बिना इंटरनेट एक्सप्लोरर के आप अपने कंप्यूटर में नेट नहीं चला सकते। ठीक है, तो ये जो आप नेट चलाते हो मोजिला फायरफॉक्स गूगल क्रोम, ये कहलाते हैं आपके वेब ब्राउजर। ठीक है, और ये होती है एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो यहाँ पे जो सही आंसर आपका बनता है वो बन जाएगा आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। नेक्स्ट चलते हैं, तो पांचवा देखो, पांचवा आ गया डीएनएस का पूरा नाम। तो अभी बार बार बताया है डोमेन नेम सिस्टम डीएनएस का पूरा नाम होता है। यूआरएल का पूरा नाम क्या है, तो यहाँ पे जान लीजिए यू का मतलब होता है यूनिफॉर्म, आर का मतलब होता है रिसोर्स और एल का मतलब होता है लोकेटर। यूआरएल का पूरा नाम होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। अब ये यूआरएल होता क्या है, तो किसी भी वेबसाइट का जो एड्रेस है पूरा वो यूआरएल कहलाता है। ठीक है, जैसे किसी कोई वेबसाइट है उसका नाम क्या है, सपोज एचटीटीपी, ये आपने एचटीटीपी तो अधिकतर देखा ही होगा इस तरीके से, और फिर होता है ट्रिपल डब्ल्यू,
डॉट सपोज फेसबुक की वेबसाइट है तो क्या हो जाएगा facebook.com। ठीक है, तो ये जो बेसिकली क्या है, ये फेसबुक वेबसाइट का क्या है, एड्रेस है। तो ये जो पूरा एड्रेस है ना, वेबसाइट का एड्रेस, इसको हम बोलते हैं URL, मीन्स यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। तो इसका जो सही आंसर बनेगा वो क्या बनेगा, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। साथ में देखते हैं तो ट्रिपल W का पूरा नाम बताओ। तो यहाँ पे ट्रिपल W का पूरा नाम होता है, एक W का नाम होता है वर्ल्ड, दूसरे W का नाम होता है वाइड, और तीसरा जो आपका W है इसका नाम होता है वेब। ठीक है, ये है WORLD वर्ल्ड, WIDE वाइड, आपको अच्छे से दिख नहीं रहा होगा इसलिए बोल के बता रहे स्पेलिंग, और WEB का मतलब होता है वेब। तो इसका मतलब क्या होगा, एक तरीके से देखा है तो वर्ल्ड यानी पूरा संसार, वाइड मतलब बिछा हुआ, और वेब का मतलब होता है जाल। तो ऐसी कौन सी चीज है जो पूरे संसार में ऐसे जाल की तरह आज के टाइम में बिछी हुई है? तो बेसिकली ये जो चीज है ना, जो पूरी दुनिया में ऐसे जाल की तरह बिछी हुई है, क्या है, इंटरनेट है, है ना। तो बेसिकली ये पूरा एक जाल ही है इंटरनेट, और इसी जाल में बेसिकली क्या होता है, आपके जितने भी मोबाइल फोन, जितने भी कंप्यूटर है, वो इसी जाल से कनेक्ट होते हैं, तभी आप इंटरनेट चला पाते हो। ठीक है, सो WWW जो है वो इंटरनेट का ही एक दूसरा नाम होता है। ठीक है, और WWW का पूरा नाम होता है वर्ल्ड वाइड वेब। आठवां देखते हैं तो आठवां क्वेश्चन कह रहा है, इनमें से कौन सा एक ईमेल क्लाइंट है? आप बताओ इनमें से कौन सा ऐसा है जो ईमेल क्लाइंट, ईमेल क्लाइंट का मतलब जो जीमेल की सुविधा प्रदान करता है आपको। तो जीमेल, मिंत्रा, राउटर, टॉप लेवल डोमेन, नहीं भैया एक ही है जीमेल। आपने सुना भी होगा कि जीमेल जो है वो क्या है, ईमेल की सर्विस प्रोवाइड करता है हमको। ठीक है, तो जो भी वेबसाइट हमें कोई सर्विस प्रोवाइड करती है ना, उसको हम क्लाइंट बोलते हैं। तो इसको हम जीमेल वेबसाइट जो है ना, इसको हम जीमेल क्लाइंट भी बोलते हैं। नवा देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो आता है, इनमें से सर्च इंजिन का उदाहरण है तो पेटीएम, गूगल, फ्लिपकार्ट, इन ऊपर से कोई नहीं। तो भाई पेटीएम जो है वो कोई सर्च इंजन नहीं है, पेटीएम की सहायता से आप पैसों का आदान प्रदान करते हो। हाँ, गूगल एक सर्च इंजन है। ठीक है, इस पे आप क्या करते हो, डेटा को सर्च करते हो या जो कोई भी वेबसाइट को सर्च करते हो। फ्लिपकार्ट, फ्लिपकार्ट एक वेबसाइट है जिसकी सहायता से आप सामान खरीदते हो ऑनलाइन, और उपरोक्त में से कोई नहीं, तो ऐसा नहीं है, जो गूगल है वो उसका सही आंसर हो जाएगा। दसवां, मॉडेम का पूर्ण रूप है, मॉडेम का पूरा जो रूप है यानी मॉडेम का जो पूरा नाम होता है, होता है मॉड्यूलेटर और डीमॉड्यूलेटर। तो देखिए, मैंने अभी आपको मॉडेम बताया था ना कि MODEM, मॉडेम जो है, मॉडेम एक डिवाइस है, ये क्या करती है, एनालॉग सिग्नल्स को डिजिटल सिग्नल्स में कन्वर्ट करती है, और डिजिटल सिग्नल्स को फिर एनालॉग सिग्नल्स में भी कन्वर्ट करती है, यानी दोनों सिग्नल्स को क्या कर देती है, चेंज कर देती है। तो मॉडेम एक डिवाइस है जो एनालॉग टू डिजिटल और डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्जन्स करने में सक्षम होती है। ठीक है, अब ये जो मॉडेम डिवाइस है ना, बेसिकली इसका नाम क्या है, दो भागों में बना। एमओ का मतलब होता है मॉड्यूलेशन, और DEM का मतलब होता है डीमॉड्यूलेशन। तो एमओ का मतलब क्या होता है यहाँ पर, मॉड्यूलेशन, और DEM का मतलब होता है यहाँ पर डीमॉड्यूलेशन। ठीक है, तो बेसिकली मॉड्यूलेशन क्या होता है, देखिए जब आपके एनालॉग सिग्नल्स डिजिटल में कन्वर्ट हो जाते हैं तो ये प्रोसेस कहलाती है मॉड्यूलेशन। तो जो मॉडेम है वो मॉड्यूलेशन की प्रोसेस करता है ना, एनालॉग सिग्नल को डिजिटल में कन्वर्ट करता है ना, इसलिए क्या है, मॉड्यूलेशन भी है। फिर डीमॉड्यूलेशन का मतलब होता है डिजिटल सिग्नल्स को एनालॉग सिग्नल्स में कन्वर्ट करना। तो जो मॉडेम है वो क्या कर रहा है, डिजिटल सिग्नल्स को एनालॉग सिस्टम में भी कन्वर्ट कर रहा है ना, तो ये कौन सी प्रोसेस कर रहा है, डीमॉड्यूलेशन की भी प्रोसेस कर रहा है। तो मॉडेम जो है बेसिकली दो भागों में बना है, यानी कह लीजिए कि दो नाम से मिला है, मॉड्यूलेशन का MO, डीमॉड्यूलेशन का DEM। तो इन दोनों का आधा आधा नाम लिया है और डिवाइस को हमने मॉडेम नाम दे दिया है। तो मॉडेम जो है बेसिकली मॉड्यूलेशन का भी काम करता है और डीमॉड्यूलेशन का भी काम करता है। तो इसका जो पूरा नाम है ना वो हो जाता है आपका मॉड्यूलेटर एंड डीमॉड्यूलेटर। ठीक है, ओके, सो जो A है वो आपको यहाँ पे सही आंसर आ जाएगा। ओके फ्रेंड्स, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, बाय बाय।